पद पर रहे, जिस स्थिति में रहे, हमें ये इनके दिमाग में सिर्फ जिहाद लिखा हुआ है। चाहे 100 साल का बूढ़ा हो या 15 साल का बच्चा हो, इनकी नस नस में एक ही भरा जाता है, जिहाद करो, हिंदू को काफिर बोलो, हिंदू को मारो और हिंदू को लूटो। यही इनको सिखाया जाता है, यही इनको बताया जाता है मेरे मित्रों। अरे कुछ दिन पहले संसद में ये ओवैसी खड़ा होकर ये कहता है, बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी। हम बाबरी मस्जिद की शहादत को आने वाली पीढ़ी को हम भूलने नहीं देंगे। वो कहता है कि हम शहादत को भूलने नहीं देंगे। वो अपने आप को बैरिस्टर कहता है, ये तो अनपढ़ गवार बुज़दिल इंसान है। अरे ये भारत के संविधान को नहीं मानता, भारत माता की जय नहीं बोलता, वंदे मातरम गीत नहीं गाता। अरे ओवैसी, जैसे तू तड़प रहा है ना, जैसे तू तड़पता है ना, किसी भी आतंकी को अगर हमारे उत्तर प्रदेश के बाबा योगी आदित्यनाथ जी अगर किसी को ठोकते हैं, अगर किसी को ठोकते हैं, तो ये ओवैसी ऐसा रोता है जैसे इसके अब्बा की कोई नाजायज औलाद हो। अरे मैं 10 मिनट कह रहा हूँ कि शांत रहो, हमें आगे भी जाना है, अभी बहुत बाकी है। तो मैं उस ओवैसी को जो लेफ्ट में जाते ही उसका अड्डा है, उसको कहना चाहूंगा कि बेटा अभी तो तू सिर्फ एक बाबरी से ही घबरा गया, अरे अभी तो काशी बाकी है, मथुरा बाकी है, अरे अभी तो 40,000 हिंदू मंदिर बाकी है। अरे तू ये ना समझ, हमारे आने वाली पीढ़ी को तो कह रहा है ना कि हम बाबरी मस्जिद की शहादत भूलने नहीं देंगे। बेटा हम हमारी पीढ़ी को कार सेवा सिखाते ही रहेंगे, हम हमारी पीढ़ी को कार सेवा सिखाते ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अब की बार अगर कार सेवा होगी तो राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर, शंकर के भक्तों पर गोली नहीं, फूल बरसाया जाएगा। अरे फूल बरसाया जाएगा, ये हमारे बाबा जी ने कह दिया है। तो अरे वो दिन दूर नहीं, हमने अयोध्या ले ली है, हम काशी लेके रहेंगे, हम मथुरा भी लेके रहेंगे। भारत में, भारत में हमारे जितने मंदिरों को इन मुगलों ने तोड़ा है, सारे के सारे मंदिर हम वापस लेकर भव्य मंदिर बनाएंगे। अरे भारत माता की, भारत माता की जय। बोल उठा है, तलवारें चमकने लगी है, इस राजा सिंह के आने से सब लांडों की फटने लगी है।